फेड ने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग केस में बचाने के लिए से 25 करोड़ रुपए की घूस मांगी थी। इसी मामले को लेकर पिछले साल सीबीआई ने भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। समीर वानखेड़े ने मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इंडिया टुडे से जुड़े दिवेश सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक समीर वानखेड़े के अलावा एनसीबी के दो और अधिकारी सुपरिटेंडेंट वीवी सिंह और इंटेलिजेंस ऑफिसर आशीष रंजन प्रसाद के खिलाफ भी एड ने केस दर्ज किया है। एड द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कोर्ट से मामले को रद्द करने और किसी भी कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा की मांग की है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 11 मई 2023 को सीबीआई ने वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसमें समीर के अलावा एनसीबी के पूर्व एसपी विश्व विजय सिंह और इंटेलिजेंस अफसर आशीष रंजन समेत किरण गोसावी और सनविले डिसूजा का नाम था। रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई वानखेड़े से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। पूछताछ में इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी ने उनके खिलाफ लगे आरोपों को निराधार बताया था। उनका कहना था कि सीबीआई ने एनसीबी अधिकारियों के खिलाफ बदले की मंशा से कार्रवाई की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 अक्टूबर 2021 को मुंबई में कौडलिया क्रूज पर हो रही एक पार्टी में समीर वानखेड़े की अगुवाई वाली टीम ने छापेमारी की थी। इस पार्टी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। आर्यन पर ड्रग्स डीलिंग रैकेट में शामिल होने का आरोप था। हालांकि एनसीबी द्वारा बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पिछले साल 27 मई को आर्यन खान को मामले में क्लीन चिट दे दी थी। मामले की जांच में पता चला था कि समीर वानखेड़े की टीम ने फोन जब्त करने और बयान लेने की प्रक्रिया सही तरीके से नहीं की थी।